भी है, रामायण तो नहीं हो तो ले ही लेना चाहिए भाई, इतनी अनाप शनाप चीज़ें आप करते रहते हो। नहीं आप नहीं करते होंगे बट ये सदग्रंथ तो घर में हो और पाठ ग्रंथ पुण्य होते हैं। अभी स्वर्ण महोत्सव था तो कुछ हमारे मित्र लोग यहाँ से गए, तो महामंडलेश्वर जी पधारे थे, विद्यानंद गिरी जी महाराज के कैलाश, तो एक बात उन्होंने कही कि सिखों से कुछ सीखना चाहिए। 4:30 बजे अगर आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहाँ पूरी भीड़ मिलने वाली है आपको, बच्चे सहित, और रोज पारायण होता है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है, सब लोग होते हैं वहाँ। हमारे यहाँ मंदिर तो बन ही जाता है पैसा लगा कर, और हम भी नकल में माइक भी लगा, लाउड स्पीकर और माइक वाइक लगा लेते हैं। सुबह अगर आप 4:30-5 बजे पहुंच जाएं मंदिर में तो एक पुजारी भी होंगे और एक देव बज रहा होगा वहाँ पे। जो कमियां हैं हमारे पास उसको तो समझना तो पड़ेगा, उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। तो अपने सदग्रंथों में थोड़ा पारायण अर्थ न भी समझ में आवे कभी तो समझ में आ ही जाएगा। पारायण होना चाहिए, आइए पढ़ते हैं। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदितलिए प्रिय बंध बुलाई, मुदितलिए प्रिय बंध लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले सही
सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस श्री रामायण जी की आरती गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरुज बखानी काग भूषण गरुण के श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण कलिमल हरण विषय रसफी की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सब विधि तुलसी की तात सब विधि तुलसी की सब विधि तुलसी श्री रामायण जी की कलित ललित सियपिकीरती आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की रामायण जी की रामायण रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की गुरुनाथ महाराज की ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
श्रोतृगणांना एक नम्र विनंती आहे, ज्यांना उद्या आरतीचा मंगल लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी आपलं नाव रमाबेन मरोलिया यांच्याकडे द्यावं. उद्या नियोजित वेळेप्रमाणे ज्ञानयज्ञाची सुरुवात सकाळी 6:30 सर्वांनी भगवद्गीतेच्या या प्रवचनाला अवश्य उपस्थित राहा.